नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में भोज में खाना खाने के बाद बिगड़ी 90 लोगों की तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। नांदेड़ में एक मंदिर के भोज में खाना खाने के बाद कम से कम 90 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। एक अधिकारी के मुताबिक यह घटना बुधवार शाम को नया गांव में हुई। उन्होंने बताया कि एक दावत का आयोजन किया गया था और शिव मंदिर के बाहर भक्तों को भोजन परोसा गया था। 90 लोग अस्पताल में भर्ती। उन्होंने कहा कि उन्हें खाने के लिए अम्बिल दलिया और खीर, दूध से बना एक मीठा व्यंजन दिया गया, लेकिन अम्बिल खाने के बाद भक्तों को चक्कर आने लगे और उल्टी होने लगी। शुरुआत में उनसे कुछ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर शाम फूड पॉइजनिंग की शिकायतें ज्यादा आईं। उन्होंने बताया कि देर रात कुल 90 लोगों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया कि उन सभी की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस की एक टीम ने घटना स्थल का दौरा किया और जांच की जा रही है। पिछले महीने भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के माजरी कोलियारी क्षेत्र में रविवार को फूड पॉइजनिंग के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 75 से अधिक लोग बीमार हो गए थे। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार यह घटना चैत्र नवरात्रि महोत्सव की पूर्व संध्या पर एक काली मंदिर के एक धार्मिक समारोह के दौरान शनिवार को शाम 400 से अधिक लोगों के प्रसाद खाने के बाद हुई। फूड पॉइजनिंग के लक्षण आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन करने के कुछ घंटे बाद शुरू होते हैं। मुख्य लक्षणों में मितली, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और ऐठन और बुखार शामिल है। ये लक्षण दूषित भोजन के खाने के 2 से 3 घंटे बाद शुरू हो सकते हैं और कभी कभी लक्षण दिखने में कुछ दिन भी लग सकते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।